क्या हुआ अचानक आप चाय बेच रहे हैं? मेरा घर के प्रॉब्लम से मैं चाय बेचना पड़ रहा है और मेरा धनुष भी टूट गया क्योंकि मैं लोन उठा के धनुष खरीदी थी। अच्छा, आप कितने का धनुष आता है? मेरा 3 लाख समथिंग, पूरा 3 लाख में हो जाता है। तो वो धनुष का दाम 3 लाख रुपए? हाँ, 3 लाख से थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है पर घटता नहीं है। और आप उसको खरीदी हैं? लोन उठा के खरीदे थे तो उसी के देने की वजह से मेरे को अभी थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मम्मी मेरी हार्ट का प्रॉब्लम है और पापा मेरे शुगर पेशेंट, तो कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके वजह से मेरे को धनुष का चुकता करना पड़ रहा है और घर का भी देखना पड़ रहा है। कब खरीदे थे धनुष? चाय बेच रही हूँ। दीप्ति ने भारत के कई राज्यों में जाकर तीरंदाजी खेली है, कई तरीके के पुरस्कार मिले हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लेकिन आज मजबूर है चाय बेचने को लेकर। ये राज्य के नेताओं को देखना चाहिए और बहुत हास्यास्पद बात भी है, राज्य के लिए बहुत दुखदायी बात भी है। अब आप इसको जैसे भी लेते हैं। तो सपना देखे थे कि हम अभी अच्छा खेलेंगे तो हम मेडल लेके आएंगे तो पूरा राज्य को दिखाएंगे, हम अपने मतलब पूरे झारखंड के लिए बिटिया नहीं पूरा वर्ल्ड का बिटिया बन के रहेंगे, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं चला कि कहां से कहां उतर गए। तो खत्म हो गया जी। झारखंड के मंत्रियों को, विधायकों को और नेताओं को और पदाधिकारियों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। अगर शर्म आती तो शायद एक नेशनल चैंपियन रही बेटी चाय नहीं बेच रही होती, जिसने इस राज्य का नाम रोशन किया देश स्तर पर, जिसने तीरंदाजी के माध्यम से राज्य को गोल्ड दिलाया, वो बेटी आज चाय नहीं बेच रही होती। हम अभी मौजूद हैं अरगोड़ा में और अरगोड़ा चौक से जब आप बढ़ेंगे हटिया स्टेशन की तरफ तो उसमें बाईं ओर एक दुकान मिलेगा जिसका नाम है चिलीज सिंपल समोसा। ये कोई आम दुकान नहीं है, यह दुकान है झारखंड के उस भविष्य की जिसको बर्बाद झारखंड के अधिकारियों ने, झारखंड के नेताओं, मंत्रियों ने और झारखंड की नीतियों ने कर दिया। आप सोचिए कि अगर एक आदमी नेता बन जाता है, विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है तो उनकी कई पीढ़ियों के पास अरबों करोड़ों रुपए आ जाते हैं, परिवार में फिर किसी को कमाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ सकती है। जो नेता मंत्री विधायक बन जाते हैं उनका बेटा, ये जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ता है, उनके जीवन का पूरा सब कुछ बदल जाता है। लेकिन झारखंड एक बेटी बहुत संघर्षों के साथ, बहुत मेहनत करके, बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ती है, तीरंदाजी करती है। तीरंदाजी आप समझ रहे हैं तीर चलाना होता है, उसमें तीर चलाकर वो अपने लक्ष्य को भेदती है, राज्य के लिए गोल्ड मेडल लाती है और उसके बाद जब उसको सम्मानित करना होता है तो सारे मंत्री और विधायक सब मौन पड़ जाते हैं और अंतिम में मजबूरी में उस बेटी को आकर चाय बेचना पड़ता है। इन्होंने अभी तक अपना उम्मीद नहीं छोड़ा है तीरंदाजी को लेकर, आज भी प्रैक्टिस करती है, लेकिन इनका कहना है कि मेरा धनुष ही टूट गया है तो हम प्रैक्टिस किसके साथ करेंगे, क्योंकि बिना धनुष के तीरंदाजी हो नहीं सकता है। ये दीप्ति हैं, दीप्ति कुमारी, और दीप्ति को गोल्ड मेडल मिला है तीरंदाजी को लेकर। दीप्ति ने भारत के कई राज्यों में जाकर तीरंदाजी खेली है, कई तरीके के पुरस्कार मिले हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लेकिन आज मजबूर है चाय बेचने को लेकर। ये राज्य के नेताओं को देखना चाहिए और बहुत हास्यास्पद बात भी है, राज्य के लिए बहुत दुखदायी बात भी है। अब आप इसको जैसे भी लेते हैं। हम हैं मौजूद, दीप्ति का परिचय जानते हैं, किन किन पुरस्कारों से इनको आज तक नवाजा गया और अभी जो माली स्थिति है वो दीप्ति की क्या है और ऐसी क्या मजबूरी है कि चाय बेचना पड़ता है। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, पूरा ये बताइए। मैं लोहरदगा से हूँ, मेरा नाम है दीप्ति कुमारी और मैं लोहरदगा राजा बंगला की रहने वाली हूँ। आप तीरंदाजी करती हैं? जी, मैं तीरंदाजी करती हूँ।
पहले ये बताइए दी, कितना पुरस्कार, कौन कौन सा पुरस्कार अभी तक आपको मिला है? मेरे को बहुत सारा पुरस्कार मिला है। ये सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंटर स्कूल खेली थी टाटा जी आरडी पे, उसके बाद सेकंड उसके लिए सिलेक्शन हो गया था मेरा नेशनल के लिए, तो फिर मैं महाराष्ट्र भी गई हुई थी, उसमें भी मेरा काफ़ी था। तो फिर ये क्या बोलते हैं, केरल भी गई हुई थी, फिर रांची में ओवरऑल चैंपियन हुई थी, कई नेशनल खेल चुकी हूँ। कई नेशनल खेल चुके हैं, गोल्ड मेडल भी मिला है जी, उसमें से गोल्ड मेडल भी है, नेशनल में ही गोल्ड मेडल जी। क्या हुआ अचानक आप चाय बेच रहे हैं? मेरा घर के प्रॉब्लम से मैं चाय बेचना पड़ रहा है, और मेरा धनुष भी टूट गया क्योंकि मैं लोन उठा के धनुष खरीदी थी। अच्छा, आप कितने का धनुष आता है? मेरा 3 लाख समथिंग, पूरा 3 लाख में हो जाता है। तो वो धनुष का दाम 3 लाख रुपए? हाँ, 3 लाख से थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है पर घटता नहीं है जी। और आप उसको खरीदी हैं? हाँ, लोन उठा के खरीदे थे, तो उसी के देने की वजह से मेरे को अभी थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मम्मी मेरी हार्ट का प्रॉब्लम है और पापा मेरे शुगर पेशेंट, तो कुछ कर नहीं पाते हैं, उसके वजह से मेरे को धनुष का चुकता करना पड़ रहा है और घर का भी देखना पड़ रहा है। कब खरीदे थे धनुष? चाय बेच रही हूँ। कब खरीदे थे धनुष? धनुष तो हम 2012 में जब हम सरायकेला आचरी एकेडमी में थे, उसके बाद पास आउट हो गए, वहाँ से हम हट गए, उसके बाद खुद से खरीदे थे लोन। हाँ, लोन पे लेके अभी तक उसको चुका रहे हैं? हाँ, अभी तक चुका रही हूँ। टूट भी गया? हाँ, टूट गया। तो आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? अभी तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस एक बम्बू बास का धनुष आता है तो उसी से मैं प्रैक्टिस करती थी, तो उसके साथ में फिर बच्चा 3-4 बच्चा निकाली, तो फिर वही राजस्थान पे गई हुई थी खेलने के लिए 2022 में, 21 लास्ट था, 22 था, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा था, मेरा गोल्ड मेडल था और 4 बच्चा भी गए थे मेरे साथ, 4 नहीं 6 बच्चे गए थे, वो लोग भी अच्छा लेके आए और मैं ओवरऑल चैंपियन होके आई थी। तो वो बच्चे को आप बच्चों को सिखाती भी थी? हाँ, खुद हम कर रहे थे, मेरा धनुष टूट गया तो मेरे को देखने के लिए बच्चे लोग आते थे, देखते थे, तो मैं वही लोगों को सिखाने लगी कि चलो मेरे से नहीं हो रहा तो मेरे पास धनुष है, ये एक बम्बू बांस का था, तो मैं सेट कर दी उसके ऊपर और वो लोग को लेके गई थी बाहर। तो आप इतना लंबा सफर तय किए हैं, कितना साल खेले लगभग? हम 2006 से लेके लगातार बोलिए 2012 तक पूरा अच्छा से खेले, उसके बाद फिर गैप होते गया, मतलब कभी 6 महीना कभी 8 महीना ऐसे गेम, मतलब आने से पहले ही हमको थोड़ा ये हो जाता था कि अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम 3 महीना पहले ही से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते थे और मेडल अभी तक खेल ही रहे हैं। हाँ, खेल ही रहे हैं, पर अभी मतलब 6-7 महीना छोड़ दिया, धनुष नहीं है। हाँ, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। हाँ, इसकी वजह से। चाय आप कब से बेच रहे हैं? चाय तो मेरा 6 महीना हो गया। 6 महीना? अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि आप इतना खेली हैं, दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर खेली हैं, नेशनल चैंपियन रही हैं, गोल्ड मेडल रहा है आपको, फिर अब आपको ठेला लगाकर चाय बेचना पड़ रहा है? देखिए, काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि किसी से लेने के लिए भी जाएंगे, किसी को मदद मांगेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा वहाँ सुखदेव भगत के पास गई हुई थी तो वो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ, बस मेरे को 85 मिला है और कुछ नहीं मिला, तो मैं सोची कि नहीं मेरे को कुछ कर लेना चाहिए। तो मतलब राज्य में क्या खिलाड़ियों की स्थिति बहुत खराब है? हाँ, देखिए मेरे जैसे जैसे खिलाड़ी, कई खिलाड़ी घर पे बैठे हैं, कोई ईटा ढो रहा है, कोई मॉल में कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बहुत सारा, मतलब सिर्फ क्रिकेट का ही स्कोप है। हाँ, और कुछ नहीं है उसके सिवा, कुछ नहीं, नहीं। जब आप खेल रही होंगी या जब आपने शुरुआत किया होगा तो क्या सपना देख कर आप इसमें आई? हाँ, हम तो सपना देखे थे कि हम अभी अच्छा खेलेंगे तो हम मेडल लेके आएंगे, तो पूरा राज्य को दिखाएंगे, हम अपने मतलब पूरे झारखंड के लिए बिटिया नहीं, पूरा वर्ल्ड का बिटिया बन के रहेंगे, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं चला कि कहां से कहां उतर गए, कब खत्म हो गए जी। राज्य ने सम्मान नहीं दिया या राज्य के नेताओं अधिकारियों ने सम्मान नहीं दिया? हम देखिए, हम अपना लोहरदगा जिला में जिसके पास गए हुए थे तो वो मेरे को छोटा जिला से कुछ नहीं कर पाए, तो फिर हमको लगने लगा कि नहीं, अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि बस मेरा पेपर मीडिया यही सब होके बस रुक जाएगा और आगे कुछ नहीं होगा। आप कहीं गए मदद मांगने के लिए पदाधिकारियों के पास, नेताओं के पास, मंत्रियों के पास? हम पुलिस प्रशासन को लिखे हुए थे, अपना डीसी को लिखे हुए थे, उसके बाद अपना लोहरदगा जिला में विधायक थे ये सुखदेव भगत जी, उनको लिखे हुए थे, पर कुछ नहीं? नहीं, बस बोला गया कि ठीक है मैं देखता हूँ। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? ज़्यादा तो नहीं होता है, 400 से 500 होता है पूरे दिन में। और कौन कौन है आपके परिवार में? एक तो मम्मी है, पापा है, और बहन है,
वो भी मेरे मेडल है, वो भी आर्चरी करती थी, उसको भी मैं टाटा स्टील में काफी दिन रह चुकी है, वो भी कलकत्ता में नेशनल मेडल खेल के आई है, वो भी अभी मॉल में कर रही है, तो दोनों बहन मिलके हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो भी मेडलिस्ट हैं। हाँ। वो भी तीरंदाजी कर रही थी। हाँ। और वो मॉल में काम कर रही। हाँ। और आप चाय बेच रहे जी, जीवन यापन कर रहे। हाँ, क्योंकि हम लोग को दोनों को देखना पड़ता है ना, मम्मी का काफी समस्या है ज्यादा, और पापा का भी है, तो हम लोग दोनों मिलके घर चलाते हैं और अपना लोन मिल बांट के भरते हैं। क्या अगर आपको लगता है कि आगे कुछ बेहतर हो पाएगा तीरंदाजी के क्षेत्र में? हाँ, उम्मीद तो है कि देखिए अभी तो बहुत सारा गेम आ रहा है मेरा, तो हमको ऐसा लगता है कि हम फिर से, हमको लोन मिलेगा तो हम फिर से उठाएंगे और फिर से नेशनल खेलेंगे। पिछला लोन चुका दिए? नहीं नहीं चुकाए हैं। तो कैसे कोई लोन देगा जब आप चुका नहीं? नहीं, हम कोशिश बहुत कर रहे हैं कि अगर मिल जाए कहीं से मदद खरीद लेंगे। झारखंड सरकार के अधिकारी और मंत्रियों को आप क्या कहेंगे? बस यही बोलूंगी कि जितने खिलाड़ी हैं घर पे बैठे हुए, उन्हें आँखी पूरा खोल के देखें, और मेरे जैसे जितने लड़कियां हैं उन्हें भी मदद करें और मेरे को भी मोटिवेट करें, तो मैं भी खेलने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आपको मौका दिया जाए खेलने का, फिर से आप देश का नाम, राज्य का नाम रोशन करें? जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये दीप्ति हैं, इन्होंने कई मेडल लिए हैं, कई गोल्ड मेडल भी इनके पास रहा है, और उसके बाद या चाय बना रही, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन शायद जिस बेटी ने एक सपना देखा था राज्य के बेहतर भविष्य का, तीरंदाजी में राज्य का नाम रोशन करने का, देश का नाम रोशन करने का, अगर वो ठेले पर आकर सीमित हो गई है, तो शायद राज्य के नेताओं, अधिकारियों, मंत्रियों को यह देखना चाहिए कि आपने राज्य को किस तरफ ढकेल दिया है। झारखंड अलग इस उद्देश्य से नहीं हुआ था, यहाँ की बेटियों के अंदर कला होने के बावजूद, कौशल होने के बावजूद भी वो सड़कों पर आकर चाय बेचेंगी, बल्कि बिरसा का जो सपना था या निर्मल महतो का यह सपना था, कुछ शिबू सोरेन का जो सपना था, वो ये था यहाँ की बेटियाँ, यहाँ के बच्चे, यहाँ का भविष्य जो झारखंड का है वो बेहतर हो। लेकिन शायद नेताओं, अधिकारियों को मतलब नहीं है, उनको मतलब से भोग विलासिता से है, वो सिर्फ कवि सम्मेलनों में नाचेंगे गाएंगे, अपने लिए फॉर्च्यूनर ले लेंगे लाखों करोड़ों का, अपने लिए बंगला बनवा लेंगे करोड़ों का, अपने लिए अपने कारकेट के में कई गाड़ियां लगवा लेंगे, अपने लिए सब कुछ करा लेंगे, लेकिन जिससे राज्य का भविष्य बेहतर होगा, जिन नीतियों से राज्य के भविष्य को उज्जवल देखा जा सकता है, उन नीतियों पर कोई काम नहीं करेंगे। क्या लगता है कि आगे आप यहीं रह जाएंगे सीमित, या इससे आगे कहीं कुछ हो पाएगा? वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं फिर भी अपने में कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि अभी भी गेम खेलने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ये बताइए कि जब आप जाती थी कहीं खेलने दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य में जो तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं उनका क्या भविष्य देख पाई है आपके यहाँ? दोस्त होंगे दूसरे राज्य में? हाँ, दूसरे राज्य में तो है, दिल्ली में भी है, बहुत जगह है, पर वो लोग को धनुष मिलता है सारा, बहुत अच्छा से मिलता है, पर वो लोग का मतलब जैसे तरीका देखते हैं मारने का, तो हम सोचते हैं कि मेरे पास टूटा हुआ भी है ना, फिर भी हम मेडल दे सकते हैं वो लोग के सामने। तो दूसरे राज्य से बेहतर कर सकती हैं? हाँ। क्योंकि आपको सुविधा नहीं मिलती? नहीं, उनको राज्य सरकार देती है सुविधा? अब पता नहीं, क्योंकि वो लोग को एकेडमी चलता है तो वो लोग को मिलता है। यहाँ एकेडमी नहीं है? यहाँ भी एकेडमी है, टाटा स्टील है, आपका सरायकेला खरसवां है, साई भी चलता है आपका रांची में, पर वो तो एज के अनुसार चलता है। तो आपका क्या उम्र हो गया है? मेरा अभी 25 हो रहा है। 25 हो रहा है? हाँ। मात्र 25 साल की? जी। और आपने 25 साल की उम्र में इतना पुरस्कार दे दिया जी। और लेकिन लोगों ने आपको सम्मान नहीं? नहीं। तो भाई देखिए किस राज्य का क्या है, झारखंड के मात्र 22 साल हुए हैं और इस बच्ची का उम्र 25 साल है, इसने कई पुरस्कार दे दिए हैं। झारखंड का भविष्य बेहतर करने वाले लोगों को नेताओं ने, अधिकारियों ने चाय बेचने पर मजबूर कर दिया है, ये बहुत ही शर्म की बात है। हम उम्मीद करेंगे कि शायद सरकार के लोग और तमाम पदाधिकारी कुछ नीतियां बनाएं ताकि आप जैसे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने राज्य का नाम रोशन किया उनको बेहतर कुछ मिल सके। हाँ, थैंक यू बोलूँगी कि इसलिए क्योंकि मिल जाए मेरे जैसे लड़कियाँ और लड़कों को भी मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोग घर पे हैं, वो लोग भी निकलेंगे, अच्छा करेंगे, तो देश के लिए ही नाम रोशन होगा। बाकी हम हैं कई खबरों के लिए आपके साथ, जोहार।